अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी तू बजीशान। तो आज की वीडियो में एक स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, बायो एक्वा ओलिगोपेप्टाइड रिपेयर मॉइस्चराइजर। तो मैं आज आपसे इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि वाकई में ये वर्क करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे मैं एक मंथ पहले से यूज कर रही हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में ये न्यू है और जो एक मंथ पहले से मैं यूज कर रही हूँ वो भी है। तो ये बिल्कुल खाली है जो कि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ। यूज़ करने के बाद आज आपसे इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि वाकई में ये वर्क करता है नहीं करता, आप लोगों को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने ही। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। तीन इस तरफ लिक्विड होते हैं, इस साइड पे पाउडर होता है और बीच में आपको ये नोजल्स दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बनाने का तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक लिया ये पाउडर, दूसरी साइड पे लिया लिक्विड। तो ये खुल गई है दोनों। अब इसमें से ये, अब ये जो लिक्विड वाली बोतल, अब हमने ये पाउडर में डालना है सही इस तरह से, पूरा लिक्विड डाल देना सही। तो नोजल है, अब ये हमने ऊपर से इसका केप है नोजल का, ठीक है, ये हमने नोजल इस तरह से लगा देनी है। ये नोजल लग गई है, अब इसे अच्छी तरह से शेक करना है। तो इस तरह से आपने ये केप हटाना है नोजल में से, और देखें इस तरह से मैं डालूंगी ना हैंड पे, ये नहीं निकलेगा। को ना नोजल को थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ये देखें अभी मैं प्रेस करूंगी तो ये अब निकलेगा और मैं इसका जो टेक्सचर है ना वो वॉटरी है, तो लगाने के फौरन ही बाद ही ये ड्राई हो जाएगा। क्या रिजल्ट है, ये आपकी स्किन में क्या वर्क करता है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले बॉक्स उठा लेते हैं, बॉक्स में देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। माइल्ड टेक्सचर, रिपेयर एक्नी स्किन, श्रिंक पोर साइज, स्किन इज मॉइस्ट एंड स्मूथ, शोइंग अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लेक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट क्लेम करती है वाकई में 100% वर्क करती है, क्योंकि ये मैं खुद एक मंथ से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और जब तक मैं आपसे कोई भी रिव्यू शेयर नहीं करती जब तक मैं खुद यूज़ करके उसे देख ना लूँ। और वाकई में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। ये आपके एक्नी के स्कार्स को ख़त्म करती है और आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट बना देती है, अच्छा कर देती है। ये इजीली आप इसे बाय कर सकते हैं, आपको 1000-1500 के दरमियान मिल जाएंगे। मैं इसका जहाँ से मुझे मिला है मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। लगाने का इसका तरीका ये है कि रात सोने से पहले अच्छी तरह से फेस वॉश करें, फेस ड्राई होने के बाद अगर आप अपने एक्नी स्कार्स पे लगाना चाहते हैं 2-3 ड्रॉप अपने हैंड पे लें और अपने एक्नी स्कार्स पे लगा लें। ये एक्नी स्कार्स आपके लाइट होने शुरू हो जाएंगे, बाद में थोड़े थोड़े करके खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपने फुल फेस पे लगाना चाहते हैं कि आप जो कॉम्प्लेक्शन है टेक्सचर है वो अच्छा हो जाए, तो आप अपने मतलब फेस के मुताबिक लगा सकते हैं कम या ज्यादा। आप इसे मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं फेस वॉश करने के बाद, बट ये मैं सिर्फ रात को सोने से पहले ही लगा के सोती थी। अब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।